इस वक्त हम चौथान पट्टी के डांग गांव में हैं। डांग गांव में दो घराट हैं जो चलते हैं, पंचकियां। ये घराट काम कैसे करते हैं इसके बारे में हम आपको थोड़ा बताते हैं। सबसे पहले तो जो नदी होती है उस नदी से एक छोटी नहर निकाली जाती है। ये पीछे नदी है, दिख नहीं रही है, उस नदी से ये छोटी नहर निकाली गई है और इसके बाद इस नहर का पानी यहाँ पर एक डाइवर्जन बनाया है, विभाजन। अगर आपको घट नहीं चलाना है, घराट नहीं चलाना है तो आप पानी को नीचे छोड़ देते हैं, अगर आपको घट चलाना है तो आप इस पानी को यहाँ आने देते हैं। इसके बाद ये पानी यहाँ से ऊंचाई से गिराया जाता है, एक लकड़ी का बना हुआ है जिसको लोग पनाल बोलते हैं, इस पनाल से पानी गिराया जाता है और नीचे घट का जो पहिया होता है, टरबाइन, वो घूमता है। ये घराट है, ये नंदन सिंह जी हैं, इनका ये घराट है। अभी हम आपको घराट के अंदर का दृश्य दिखाते हैं। ये अब हम घराट के अंदर हैं। यहाँ पर ये पुराने घिस चुके पत्थर रखे हुए हैं, ये दूसरे पत्थर हैं और ये सब देखो ये घराट है जो अभी काम में लाया जा रहा है। इसके अंदर अनाज डाला जाता है और वो थोड़ा थोड़ा होकर यहाँ से निकलता है और फिर आटा पीसा जाता है। नंदन सिंह जी हैं, वो बता रहे हैं ये घट काम कैसे करता है। हाँ, आप क्या बता रहे हैं? आप भाई बता रहा हूँ कि जब मोटा होगा, हाँ, ये दोनों निकाल देना है। अच्छा, ये तब वो आटा ऐसा बन जाएगा जैसा मखन निकालते हैं हम। अच्छा, बारीक आटा, बारीक। और इस जिसमें ये अनाज डालते हैं इसको क्या बोलते हैं? रेवड़ा। रेवड़ा, हाँ, रेवड़ा है ये, और अनाज डालने के लिए। अच्छा, हाँ। और ये जो नीचे है लकड़ी के, ये हाँ, ये चेप बन, ये तो है चौखुल, चौखुल, हाँ, ये तो ऐसा बाजता है ना, पार चलता है, हाँ, हाँ। ये तो ना जाता है इससे, ठीक है। अरे इसका वो है, अच्छा, खाबड़, 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 ठीक है, उसमें वो रहता है चौखुल। और ये पत्थरों को क्या बोलते हैं? ये तो पाठ, 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 हाँ, ठीक है, घराट के पाठ। तो कहाँ से लाते हैं घराट के पाठ आप? ये वहाँ से ही, क्या कहता खाद हुई। अच्छा अच्छा, अबू गाड़ी। अच्छा, और ये जो लकड़ी का चौखुल बनाया है आपने, ये है, हाँ, ये हमने उनसे बनाया लोहार से। अच्छा अच्छा, कोई रामनगर। अच्छा, लोहे वाला है ये? हाँ, ये चादर का, चादर का है, हाँ, ठीक है। और बाकी जो नीचे घूमता है वो काट के रह रहा है, हाँ हाँ हाँ, वो कहाँ से बनाया? उसको भी जंगल से लाते हैं, जंगल से लाते हैं, हाँ, आता वो छोड़ना पड़ता है। कितने समय से घर चला रहे हैं ये? अभी है न, कितने सालों से शुरू से? अरे तो बाप दादा का है। अच्छा, हाँ, वो तो हमको क्या पता, पर हमने किया है। अब अपनी उम्र से हम अभी पाँच ला रखा है इस टाइम, हाँ, अरे दो 16 रखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब मैं बाप दादा ने रखा था। अच्छा, तो इस वक्त तो आपका घट का कितने समय से नहीं चल रहा है, ये जो पानी नहीं है? ये है साहब, आप लगाओ तो ये निकल गया तुम्हारा, ये क्या कहते हैं, ये अफसोस है। अच्छा, तो इस साल क्या दिक्कत है, क्यों नहीं चल रहा अभी? पानी नहीं है, दिक्कत यही है, पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं? बरसात आई नहीं। अच्छा अच्छा, अगर बरसात होती हिल, हाँ, तो अभी तो ऊपर से पानी निकलता है, सूखता रहे, ठीक है, मतलब बरसात बाद से 11-4 से बारिश नहीं हुई, इतना भारी नहर निकलता है, इसको ले चाहे 4 इंची पानी, 4 इंची पानी तब ये आएगा, ठीक है। या तो नदी से आप ज्यादा पानी लाएंगे, ज्यादा डाइवर्ट करेंगे तो नहीं चलेगा? नदी में पानी नहीं है, देख लो। अच्छा, देख लो अभी भी। ये सारी व्यवस्था जो है ये बार्टरिंग सिस्टम है, आदान प्रदान। इसमें जो पीसने के लिए आता है उसको पैसे नहीं देना पड़ते हैं, उसको जो पिसाई किया है आटा उसका छोटा सा हिस्सा वो देते हैं,
इनको भवाड़ी के तोर पर शोर लगाओ तुम एक संभाल कर भरने है। ठीक है कि एक नाली दो नाली दो ठीक है रख जाता है तो ठीक है नहीं रख जाता है तो ठीक है। आइए अभी हम घर के नीचे वाले हिस्से में हैं। यहाँ पर ये लगी हैं पंखड़ियाँ जो हैं लकड़ी की। हाँ जब पानी डाइवर्ट किया जाता है गिराया जाता है तब ये पंखड़ियाँ घूमती हैं और तब ऊपर अनाज पीसा जाता है और ये पानी फिर वापस इस धारा से फिर से नदी में चला जाता है। चलो Mm.